ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12 को ट्राई किया उनके डाउट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद शीट में हमने किया ही हुआ था, ये डाउट है पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन्होंने ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी ओके, 3 एंड 4th, ओके 4th। थ्री चार्जेस, आपको तीन चार्जेस गिवन है, एक चार्ज कितना गिवन है 2q, एक कितना गिवन है माइनस क्यू और एक कितना गिवन है q, तीन चार्जेस हैं एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंटर मीन्स सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सिमेट्रिकल बॉडी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमेट्रिकल बॉडी है, पर प्रॉब्लम यह है कि सिमेट्रिकल बॉडी के कॉर्नर पे q चार्ज नहीं है, अनइक्वल चार्जेस हैं। तो अगर सिमेट्रिकल बॉडी के आसपास अनइक्वल चार्जेस हैं, ध्यान आगे अनइक्वल चार्जेस हैं, और मुझे E निकालना है, E की वैल्यू यहां पर क्या होगी, तो यहां पर एक काम करते हैं, क्या रखते हैं प्लस 1, तो ये माइनस क्यू इस प्लस 1 को क्या करेगा अट्रैक्ट, E लगाएगा, ये माइनस क्यू भी क्या करेगा अट्रैक्ट, E लगाएगा, ये 2q इस प्लस 1 को क्या करेगा रिपेल, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, तो सबको पता है कि इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट वेक्टर नीचे आएगा और इन दोनों को ऐड करके कम से कम आंसर 0 तो नहीं आएगा, तो E की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी नॉन जीरो रहेगी। क्लियर है यहां तक, E नॉन जीरो रहेगा। आगे अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 -q/r, ये माइनस क्यू लगाएगा एग्जैक्टली सेम लगाएगा 1/4πε0 -q/r, और ये 2q क्या लगाएगा 1/4πε0 2q/r, ऐड कर लो आंसर क्या आएगा जीरो, तो पोटेंशियल जीरो आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नॉन जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, डाउट, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस गिवन इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, एक स्फेयर है, स्फेयर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना 120 वोल्ट है, इट इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड अनदर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस गिवन, कैलकुलेट पोटेंशियल टू विच बिगर स्फेयर, ओके ये अभी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आज हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है शेल्स, आज स्टार्ट करते, तो ये शेल्स और स्फेयर्स का टॉपिक है, तो शेल्स और स्फेयर्स के केस में हम थोड़ा भी इसको अभी नहीं कर पाएंगे तो इसको छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7 में डाउट है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन इज कि 2 पॉइंट चार्जेस 100 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए और बी के ऊपर 100 और 5 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने प्लेस कर दिया, राइट, ठीक है, तो ये प्लेस किया, एक सेकेंड जल्दी, ये 5 बजे के आसपास ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्लास खत्म होती है, प्लस 1 फर्स्ट वीक ऑफ जून के एंड में स्टार्ट होगा, मीन 6 7 5 6 7 एंड डेज रहेंगे, 5:30 क्लास स्टार्ट होगी, 7:15 खत्म होगी शाम को, इवनिंग कल आई तो कल नॉन मेडिकल स्कूल लेवल, ठीक है, तो ये पैरेलल चलेगा, एनसीईआरटी मींस सब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट है पेपर का और कंपटीशन मींस ऑब्जेक्टिव, तो हम दो अलग अलग फॉर्म करते हैं, एक ही टॉपिक के दो टेस्ट होते हैं, इसकी तैयारी अलग है, इसकी तैयारी अलग है, पैरेलल चलती है, इसका टेस्ट और जो प्रिंट आउट है इसके, आपको क्या करना है, फर्क नहीं है,
डेफिनेशन नहीं आता, सीधा एक सिनेरियो देगा, सिचुएशन देगा, उसको आपको उसके इसको सॉल्व करना है सिचुएशन को। आप तो ICSE से, आपको तो ज़्यादा आइडिया होगा ICSE की फिजिक्स, मोशन वगैरह आपने किया हुआ है, ठीक है। तो और इसके मैं या नंबर दोनों वो सामने नेहा मैं बैठे हैं, वो 12 बजे आते हैं यहाँ पे, एक घंटा आपको उनके साथ भी लगाना पड़ेगा। मेरी तो क्लास लगाओगे लगाओगे, एक घंटा वो के साथ बैठ आती हैं और पढ़ना पड़ेगा घर। अब ये पता नहीं सर ये उस कैटेगरी में है, पर हमारे पास आप उसकी टेंशन मत लो। ग्यारह नहीं कर पाओगे, सही है, पर तो करोगे क्यों नहीं करोगे, तो डन बिल्कुल करेगा, कोई टेंशन। जॉइंट पेपर मार तो फिर एडवांस का पेपर आएगा, तो हमारी मेरी अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर सारा पेपर जॉइंट आएगा, पीसीएम का मैं भी लेगा जॉइंट। हाँ उनका ये है कि उनका अभी सितंबर में ले लेंगे वो, या अभी ले लेंगे, बस हम फाइनल टच जब देते हैं फिनिशिंग तब करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा ही है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा देना, इसकी कहीं करवानी है तो, मान लो अगर आपको ये डाउट है पेपर्स का तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दो, वो आपके ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा सिर्फ फिजिक्स है, सिर्फ फिजिक्स है, 2003 से। क्या नाम सर, कितने सर, अच्छा मुझे तो टाइम हो गया सर, फिर तो उस टाइम तो मैं जॉब भी करता था, उस टाइम की बात है ये। हाँ जी सर 2003 से ही कर रहा हूँ, सच्चाई है। सर देखो अपनी वो है, मर्जी है, मैं बता सकता हूँ कि मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, अगर ना पढ़ाया तो प्लस टू का बैच बनता ना कभी भी, ये प्लस टू का बैच है, ऐसे दो बैच ये बच्चे भी तो आपको ये तो कर देखो मैं चलूंगा कंपटीशन से, मैं अपनी क्वालिटी नहीं कर सकता कि कोई बच्चा कमजोर बैठा है वो कहे जी नहीं जी मैं तो उसको नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके ऑप्शन है स्पेशल क्लास, वही लगाएगी जो नहीं चल पा रहा। देखो तो मैंने एक अच्छे स्टूडेंट पर रिजल्ट देना है सर, वैसे तो 12-12 की ना 4 इंस्टॉलमेंट लेते थे, पर इस बार क्योंकि लेट सेशन है तो ये ना 11-11 करती है, तो 11-11-11 के 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं 44, ठीक है। तो सॉरी मैं अभी मैं एक सेकेंड ब्रोशर देना मेरा वाला फ़ोन नंबर इस पर है। तो विशाल क्या कर रहा है, अच्छा अब तो सर काफ़ी टाइम हो गया
ठीक है सर, सही। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, कोई है नहीं, पर आप मतलब उस चक्कर में अगर ना पढ़े ज़्यादा बेटर है। तीन ही टीचर कौन पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ाना टीचर नहीं है कोई, ये तो है नहीं कि सिर्फ टेस्ट सिस्टम। टेस्ट में क्या दिक्कत है, टेस्ट में ऑनलाइन जितने मर्जी टेस्ट हो यार, हमारे टेस्ट ही नहीं, इतने टेस्ट हैं। लिटिल फ्लावर कैसी बात नहीं है। सुनीता मैम है, सुनीता मैम तुम्हारे वहाँ, उनका बेटा कहीं पढ़ के गया है। सुनीता मैम, सुनीता मैम आपके स्कूल में, मुझे पता नहीं सुनीता कोई होंगी, मुझे सब्जेक्ट नहीं पता यार। नहीं पुरानी है, 4 साल पहले लड़का पढ़ाया मैंने उनका। हाँ, उनका बेटा अभी मेरे पास, दीपक सर उनका बेटा भी पढ़ के गया है। तो ऐसे तो हाँ ठीक है सर, नहीं सॉरी सर मैं थोड़ा सा, हाँ क्या नाम है आपका? ठीक है सर, स्टूडेंट तो अच्छा है सर। देखो इस अंदर 2 पॉइंट चार्जेस 105 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ध्यान आगे, प्लीज ध्यान आगे। ए और बी के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं 105, और आपको ये डिस्टेंसेस सारे गिवन है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसिंग द चार्ज 5 माइक्रो कूलम फ्रॉम बी टू सी, ध्यान, बी से लेके सी तक हमने चार्ज को उठा के रखना है। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये क्वेश्चन है, और क्या लॉजिक था? वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज कितना, कितना 5 माइक्रो कूलम। ये 5 माइक्रो कूलम जो चार्ज है ये एक एक्सटर्नल चार्ज है। देखो दो चार्जेस तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, एक 100 और एक 5, जो यहां और यहां पड़े हुए थे, हमने किसको उठा के रखा? 5। तो वर्क डन अपॉन 5 इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, बी से लेके सी तक जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि वी सी माइनस वी बी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक? वी सी माइनस वी बी समझ क्लियर है, ठीक है। तो वी सी और वी बी देख लें, सी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? सी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? 100 लगाएगा। सी पॉइंट पर पोटेंशियल और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? 100 लगाएगा। 5 माइक्रो कूलम को क्योंकि उठा के रख दिया, तो जिस चार्ज को हमने उठा के रख दिया वो पोटेंशियल कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो वो पोटेंशियल नहीं लगाएगा। तो 100 100 लगाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज, आपके पास आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हूज डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड वेरीज एज, ई रेडियली आउटवर्ड का जैसे क्यू चार्ज है तो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और इट E is taken as positive if its direction is away from the origin. तो origin से away बाहर की तरफ है. Then the work done by electric field on 2 coulomb charge if it is taken from 1,1,0 to 3,0,0. तो अगर मैं चार्ज को इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट पे लेके जा रहा हूं तो मुझे अमाउंट ऑफ क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है. अब मुझे पता है ये E है और ये R है. E और R का अगर मैं एरिया निकालूं तो E डॉट डी आर, ई इंटू आर, ई इंटू आर का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही लॉजिक है. तो यानी कि अगर मैं E का और R का क्या निकालूं, इसका एरिया निकालूं, ये देखो ये एरिया निकालूं और इंटीग्रेट कर दूं तो इसका एरिया माना जाएगा. जैसे याद है वो थर्मोडायनेमिक्स में पी डी वी की इंटीग्रेशन, तो इसमें पी डी वी की जगह ई डी आर की इंटीग्रेशन, तो ई डॉट डी आर इसकी इंटीग्रेशन, ये आपको क्या देगा? इसका एरिया देगा, राइट. अब कहाँ से कहाँ? 1,1,0 से 3,0,0, तो इसका 1 i कैप, 1 j कैप, 0 k कैप, 3 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप. तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, और इसका इसका क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा. तो आपको डिस्टेंसेज भी पता लग गए इसमें, तो यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, डिस्टेंस पता लग गए, एक क्या आ गया? 3, एक क्या आ गया? √2. तो आप इसका मतलब इसने जो
कोऑर्डिनेट्स बना रखे हैं तीनों, और रूट टू एकदम सही बना रखे हैं। तो यानी कि हमने अपना क्वेश्चन कहां से कहां करना है, बस इस लाइन के लिए सॉल्व करना है, ये नहीं करना, ये करना है। क्लियर है यहां तक? तो अगर आपको ये करना है तो इसका अगर वर्कडन निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आंसर। तो वर्कडन आ गया, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सॉरी। हमने वर्कडन निकालना है, वर्कडन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्कडन इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं? टू। इस टू को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो लॉजिक क्लियर है? असल में प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में एक ही थी कि ये तीन और रूट टू वाली, ये तीन रूट टू कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच नहीं हो रहे थे। वो कैसे मैच हो रहे हैं समझ में आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है तीन और रूट टू? ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप अगर ये ना समझ पाएं तो एरिया पूरे का पूरा निकाल आएंगे, ये गलती हो जाती है, और एरिया पूरा निकलेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको एरिया सिर्फ इतने पोर्शन का निकालना है, ये समझ में आता है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ओके ठीक है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12 के बाद थर्टीन कितने लोगों ने ट्राई की? नहीं की, कम की है, ओके आसान है वैसे ही, ऐसी बात नहीं है, और इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पे है। चलो इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, अभी रुको दो मिनट, मैं लेक्चर को थोड़ा सा पहले आगे ले जाऊं। शीट नंबर 24 हमने स्टार्ट करनी है, चेक करना कौन सी करनी है।